एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपर बात करेंगे जो बिग बैश लीग का आज के दिन का यहाँ पर मैच होगा, जो खेला जाएगा पर्थ स्कोचर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर क्या होगा, एक तो आपको बैटिंग ऑर्डर पता चलेगा और फाइनल टीम जो भी होगी आपको वहीं पर मिलने वाली है। बात करें इस मैच के बारे में तो ये मैच 1:35 पर स्टार्ट होगा और ये मैच खेला जाएगा ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में। तो भाई पर्थ का नाम समझते ही सबसे पहली चीज़ जो माइंड में आनी चाहिए वो है यहाँ का पेस और बाउंस। आपको पता होगा इसी ग्राउंड पर वर्ल्ड कप के 5 मैचेस हुए थे, उसमें क्या हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो ग्राउंड है ना भाई, ये फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि बाउंस भी अच्छा खासा रहता है और पेस भी यहाँ पर बहुत अच्छी रहती है। एवरेज स्कोर यहाँ पर 140-160 बनता है। अब देखो, वर्ल्ड कप में यहाँ पर 5 मैचेस हुए थे जिसमें से एक जीता था बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 4 में चेज हुआ था। तो पहली बात तो यहाँ पर चेज करना आसान होता है। और जो 5 मैचेस यहाँ पर हुए थे ना, उसमें आप ध्यान से देखो, फर्स्ट इनिंग में 31 विकेट फास्ट को थे, स्पिनर्स को सिर्फ 8 विकेट थे। मतलब सिर्फ ये मान के चलो कि 100 में से 25% विकेट ही स्पिनर्स को मिले थे। और सेकंड इनिंग में फास्ट को 14, स्पिनर्स को 9 विकेट थे। तो सेकंड इनिंग में तो विकेट ही कम गिर रहे थे, लेकिन फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर फास्ट बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा डोमिनेशन किया था। इन दोनों टीमों के बीच में अब तक हो चुके हैं 24 मैचेस। स्कोचर्स की टीम ने 15 जीते हैं, सिक्सर्स की टीम ने 9 जीते हैं। तो स्कोचर्स की टीम का पलड़ा भारी है। पहले बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स की टीम की, तो इनकी टीम पहला मैच खेली, हारी थी। ओपन किया था जोस फिलिपे और कर्टिस पेटरसन ने। जोस फिलिपे ने उस मैच में 26 रन किए थे, लास्ट सीजन 15 मैच में 429 रन है, हेड टू हेड में 11 मैच में 292 रन है। रिसेंट फॉर्म भी इसका बढ़िया है, लिस्टे का 37 नोट आउट, 8, 81, 73, 55 इंपॉर्टेंट रहेगा। कर्टिस पेटरसन है, लास्ट सीजन 14 मैच में 391 थे, लेकिन यहाँ पर हेड टू हेड में रिकॉर्ड इसका गंदा है। पर्थ स्कोचर्स के खिलाफ 4 मैच में सिर्फ 45 हैं और पहले मैच में भी सिर्फ 9 ही रन किए थे। जेम्स विंस पहले मैच में 0 पर आउट हुआ था, हेड टू हेड में 8 मैच में 313 रन है। लास्ट सीजन इसका उतना खास रहा नहीं था, ये बात आप ध्यान में रख के चलेगा। अभी ये अबूधाबी टी10 खेल के आ रहा है, वहाँ पर 44-0, 29-14, 21 करके आ रहा है। मोइसेस हेनरिक्स आएंगे आज से, पहले मैच में 24 रन की ठीक ठाक नौक इन्होंने खेली थी, हेड टू हेड में 18 मैच में 388 रन, 24 का एवरेज, 1 विकेट है। जॉर्डन सिल्क आएंगे, पहले मैच में 36 रन की पारी इनके नाम थी, हेड टू हेड में 18 मैच में 262 रन, 23 का एवरेज है। फिर आएंगे ऐसे डैन क्रिश्चियन, पहले मैच में 13 रन किए लेकिन बॉलिंग इन्होंने नहीं करवाई थी बिल्कुल भी, ये बात आप ध्यान में रखना। और आज के ये आपको ट्रंप बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं ट्रंप? क्योंकि आप सोचो कि भाई अगर फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है तो टॉप से तो विकेट गिरेंगे, तो फिर मिडल ऑर्डर आके संभालेगा कौन? जॉर्डन सिल्क और डैन क्रिश्चियन। तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और हेड टू हेड में इनका रिकॉर्ड भी बढ़िया है, 20 में 352 रन, 21 विकेट। हेडन कर पहले मैच में 13 नॉट आउट, 0 विकेट है, लेकिन आज इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये ना फास्ट बॉलर है बहुत अच्छा, और बॉलिंग भी करवाएगा और बैटिंग की भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। हेड टू हेड में 6 मैच में 8 विकेट है और लास्ट सीजन 17 मैच में 152 रन, 25 विकेट थे। सीन एबर्ट पहले में 0-3 विकेट है, आज भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 18 मैच में 45 रन, 19 विकेट, हेड टू हेड का रिकॉर्ड है। बेंट ओवरसीज पहले मैच में जरूर विकेट लेस रहे, लेकिन आज ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि फास्ट बॉलर है, 15 मैच में 111, 15 विकेट है हेड टू हेड में। फिर आएंगे ऐसे स्टीव ओकीफ, पहले मैच में 1 विकेट था, 18 मैच में 13 विकेट, हेड टू हेड का रिकॉर्ड है, 11 मैच में 15 विकेट, लास्ट सीजन का रिकॉर्ड है। यहाँ से इजराउलक नवीद हैं, पहले मैच में 2 विकेट ले गए थे, लेकिन देखना होगा आज इनको टीम खिलाती है या नहीं खिलाती, क्योंकि एक प्लेयर इनकी टीम में एक और अवेलेबल हो गए, नवीन उलक, जिनको आज मेरे हिसाब से टीम मौका दे सकती है। और अगर नवीन उलक खेलते हैं तो भाई इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा ये सब प्लेयर भी स्क्वाड में है, टोटल 16 प्लेयर का इनका स्क्वाड है इस मैच के लिए। तो हर प्लेयर के रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर निकाले हुए हैं, कोई भी अगर खेलता है तो आपको दे दूंगा। अभी के लिए मैं पिक कर रहा हूँ जोस फिलिपे, जेम्स विंस, नीचे से मैं रख रहा हूँ हेडन कर्स, सीन एबर्ट, बेंड ओवरसीज। अब यहाँ से आप चाहो तो डैन क्रिश्चियन या फिर मोइसेस हेनरिक्स में से किसी एक को पिक कर सकते हो। बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स हैं इनमें से कोई खेलता है स्टेट्स मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग के ओवर डालते हैं, स्टीव ओकीफ, सीन एबर्ट, हेडन कर, डेथ के ओवर डालेंगे सीन एबर्ट, हेडन कर, बेंड ओवरसीज और आई नवीद। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि पर्थ स्कोचर्स की टीम की, इनकी टीम के लिए पहला मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। ओपन करने चाहिए यहाँ से फैफ डुप्लेसिस और एडम लिथ।
फैफ डु प्लेसिस की बात करूँ तो इन्होंने सिर्फ बिग बैश लीग में एक मैच खेला था, तो इसलिए मैंने उसका रिकॉर्ड लिखा नहीं। T20 में इन्होंने 311 मैचेस अपने करियर में खेले हैं, 8074 रन, 31 का एवरेज है। रीसेंट फॉर्म 41-2, 103 नो बैटिंग 41, तो बढ़िया फॉर्म था इनका रीसेंट फॉर्म। एडम लिथ है ये ना भाई, हिटर प्लेयर है, हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, या तो चल गया तो ठीक है, अदरवाइज बहुत जल्दी आउट होता है। 22 है, 1 है, 54 है, 14 है, 0 है, मतलब लास्ट के 5 में से एक मैच में ये चला है। कैमरन बैनक्राफ्ट वन डाउन आ सकते हैं, लास्ट सीजन 8 मैच में 163 थे, हेड टू हेड में 8 मैच में 131 रन है, और रिसेंट फॉर्म 22-6-78-13-43 है, रिसेंट फॉर्म बढ़िया है इसका। जोस इंग्लिस आएंगे यहाँ पर, लास्ट सीजन 8 मैच में सिर्फ 137 रन थे, हेड टू हेड में 10 मैच में 234 रन है, रिसेंट फॉर्म 3-17-24-1 है। एस्टन टर्नर है, लास्ट सीजन 16 मैच में 357 रन, 32 का एवरेज, 2 विकेट था, हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड इनका बढ़िया है, 21 में 435 रन, 29 का एवरेज, 4 विकेट है, और रिसेंट फॉर्म 26 नो नॉट आउट, 26-0, 2 रन, 0 विकेट है। एरन हार्डी आएंगे ऐसे, लास्ट सीजन 9 मैच में 115 रन, 3 विकेट था, हेड टू हेड में 6 मैच में 126 रन, 0 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0 रन, 8 रन, 0 विकेट, 5 रन, 2 विकेट, 13 रन, 1 विकेट है। एस्टन एगार आएंगे यहाँ से, लास्ट सीजन 15 मैच में 133 रन, 18 विकेट थे, हेड टू हेड में 12 मैच में 68 रन, सिर्फ 6 विकेट है, उतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं हेड टू हेड में, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे जाय रिचर्डसन, 2 मैच में 4 विकेट थे लास्ट सीजन, क्योंकि ज़्यादा मैच खेले नहीं थे, और हेड टू हेड में 13 मैच में 51 रन, 17 विकेट है, बढ़िया रिकॉर्ड है हेड टू हेड में, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट, 1 विकेट, 12 नॉट आउट, 1 विकेट है। एंड्रू टाई है, विकेट टेकर बॉलर है ये, लास्ट सीजन 16 मैच में 25 विकेट थे, हेड टू हेड में 18 मैच में 29 विकेट है, दोनों ही जगह पे बहुत शानदार रिकॉर्ड है, और अगर यहाँ पर स्कॉचेस की टीम पहले यहाँ पर बॉलिंग करती है तो इसको आप कैप्टन कर सकते हो। जेसन बैरनडॉफ है, ये भी आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पावर प्ले में आएगा और यहाँ पर बॉल में बाउंस मिलेगा, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है तो बॉल को स्विंग भी करवाएगा। 13 मैच में 16 विकेट है लास्ट सीजन, हेड टू हेड में 12 मैच में 16 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 12, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट है। पीटर हथजोगलू है, लास्ट सीजन 15 मैच में 15 विकेट, हेड टू हेड में 6 मैच में 6 विकेट, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 11, 1 विकेट, 5, 1 विकेट और 2 रन, 0 विकेट है। तो यहाँ से देखो, मैं अभी के लिए पिक करने वाला हूँ फैफ डु प्लेसिस, कैमरन बैनक्रॉफ्ट को रख रहा हूँ मैं, और नीचे से मैं यहाँ पर एस्टन एगार, जाय रिचर्डसन, एंड्रू टाई और जेसन बैरनडॉफ को यहाँ पर पिक करूंगा। बाकी बेंच पर इनके जो प्लेयर हैं, इनमें से 4 प्लेयर और स्क्वाड में, कोपर कॉनली हैं, न्यू प्लेयर हैं ये, रिसेंट फॉर्म 11, 0 विकेट, 33, 0 विकेट, 3 रन, 0 विकेट, 0 रन, 2 विकेट है, ये इसका अंडर 19 का रिकॉर्ड है। निक हॉपसन है, लास्ट सीजन 2 मैच खेला था जिसमें 50 रन किए थे इसने, और रिसेंट फॉर्म 46-4-1-64 है। मैथ्यू केली हैं, लास्ट सीजन 6 मैच में 14 विकेट थे, अगर खेलते हैं तो बहुत तगड़ा बॉलर है ये, हेड टू हेड में 4 मैच में 26 रन, 4 विकेट है, रिसेंट फॉर्म भी इसका बढ़िया है, 11 नोट आउट, 2 विकेट, 15 नोट आउट, 2 विकेट, 33 रन, 3 विकेट, 1 विकेट। यहाँ से हैमिस मैकेंजी हैं, रिसेंट फॉर्म 19-0 विकेट, 3 2 विकेट है। इसके अलावा जो बाकी के प्लेयर हैं वो सब अवेलेबल नहीं है। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे जेसन बैरनडॉफ, जाय रिचर्डसन एंड एरन हार्डी, डेथ के ओवर डालेंगे एंड्रू टाई, जाय रिचर्डसन और एरन हार्डी। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे यहाँ पर डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। बात करूँ मैं यहाँ पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से अभी के लिए जोस फिलिपे को रखा है, बैटिंग सेक्शन से मैंने कैमरन बैनक्रॉफ्ट, जेम्स विंस, फाइव डु प्लेसिस को रखा है, और ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने हेडन कर, एस्टन एगार, सीन एबर्ट को रखा है, बॉलिंग सेक्शन से मैंने जाय रिचर्डसन, मेंडोर्सिस, जेसन बैरनडॉफ, एंड्रू टाई को रखा है। कैप्टन मेरे जाय रिचर्डसन, वाइस कैप्टन सीन एबर्ट है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम डिपेंड करेगी टॉस के ऊपर, तो आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल जुड़ना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।